नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा के ग्यारसपुर में 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर स्वर्गीय सुनीला देवी गजेंद्र सिंह रघुवंशी स्मृत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विदिशा विधायक पूर्व गंज बसौदा विधायक और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश कटारे की भव्य उपस्थिति में किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत श्रीफल और साल के द्वारा खेल आयोजकों के द्वारा किया गया। साथ ही साथ विदिशा के गंज बसौदा में एक विस्तृत जिम और साथ ही साथ खेल मैदान उपलब्ध कराने की भी मांग की। आपको बता दें, 11 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद स्वर्गीय श्रीमती सुनीला देवी गजेंद्र सिंह रघुवंशी की स्मृति में ग्यारसपुर में भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विदिशा विधायक श्री कृष्ण शशांक भार्गव, गंज बसौदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन, जनपद पंचायत में अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश कटारे की उपस्थित में किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का साल श्रीफल पुष्पाहारों से स्वागत आयोजन कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा एवं सदस्यों के द्वारा किया गया। वहीं पूर्व स्थानीय क्रिकेटरों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राकेश जैन ने बताया कि यहां के नौजवानों को सुचारू रूप से जिम उपकरणों की आवश्यकता है और लड़के अभावों के कारण प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश कटारे ने इस मैदान पर कोई शासकीय निर्माण न होने देने की मांग की और इन दोनों नेताओं ने शशांक भार्गव से आश्वासन लिया कि जिम के उपकरण शासन के मद से आएंगे और विधायक में से दिलाया जाएगा। साथ ही साथ इस पर कहा गया कि मैदान को सुरक्षित रखने के लिए अब किसी भी प्रकार का निर्माण होने के लिए शासन को पत्र लिखूंगा। पूर्व विधायक निशंक जैन ने टूर्नामेंट के खिलाड़ियों को खेल के साथ अन्य सुविधाओं के लिए भी हमेशा उपलब्ध रहने एवं कहा कि जिम उपकरण एवं मैदान के लिए हम आश्वासन देते हैं कि भविष्य में जिम का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गजराज सिंह कुशवाहा, पूर्व सरपंच गजेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि लीलाधर कुशवाहा, सोसाइटी अध्यक्ष स्वदीप रघुवंशी एवं क्रिकेट क्लब के आयोजक सुरेंद्र साहू सीताराम कुशवाहा सहित टूर्नामेंट समिति के अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में लीलाधर कुशवाहा ने समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। श्रीमती सुनीला देवी जी के चित्र पर माल्यार्पण ज्योत प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय अतिथिगण, बड़े गौरव एवं हर्ष का विषय हमारे लिए। हमारे बीच माननीय विधायक विदिशा, माननीय जनपद अध्यक्ष ग्यारसपुर, अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद सबसे ज्यादा शौकीन है। मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, हमेशा स्पोर्ट पैन स्पीड के साथ लड़ना चाहिए, भले आपसी में मतभेद हो। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।